चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा के नौ स्वरूपों में से दूसरी देवी हैं। इसी कारण वे नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मन भावन एवं भव्य है। देवी के नाम में ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, अर्थात तपस्विनी देवी। नारद जी की सलाह पर उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। माँ के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला है। माँ का ये तपस्वी स्वरूप सभी को अनेक फल देने वाला है। इस दिन तपस्वी का मन स्वाधिष्ठान में रहता है। उनका प्रार्थना मंत्र है, दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। जब सती का पुनर्जन्म हुआ तो वे राजा हिमालय की पुत्री बनी। नारद जी के कहने पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा गया। वह कई दिनों तक सूखे पान के पत्ते खाकर जीवित रही, फिर पान खाना भी बंद कर दिया और अपर्णा कहलाई। भगवान शिव ने कई बार उनकी परीक्षा ली जिसमें वे पूरी तरह से सफल रही। तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उन्हें भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि शिव उनसे अवश्य विवाह करेंगे।